देश प्रदेश देख रहे हैं आप और यहां पर हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी होगा। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई येदुरप्पा ये घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे। और अपने घोषणा पत्र को बीजेपी ने जनता की आवाज का नाम दिया है, जिसमें 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर 2-2% लिंगायत वोकल लिग्गा में बांटने का भी उल्लेख होगा। आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी ने जनता के सुझाव मांगे थे और ये सुझाव वेबसाइट, व्हाट्सएप और QR कोड के जरिए लिए गए। साथ ही इसके लिए सार्वजनिक जगहों और रैलियों में सुझाव पेटियां भी रखी गईं। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली गृहणियों को नकदी जैसी गारंटी दी है। ऐसे में बीजेपी पर लोक लुभावन घोषणाएं करने का दबाव है। भारत माता की मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। 1 रुपये में से 85 पैसा कैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है कर्नाटका के लोग जानते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने जो प्रचार है अपना वो तेज कर दिया है और यहां पर पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार भी आप देखें तो ये भी जोरों पर है। कल कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैलियां की। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कल 3 रैलियां की और इसके बाद उन्होंने मैसूर में रोड शो भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कलबुर्गी और जेपी नड्डा ने उडुपी में चुनावी रैली को संबोधित किया। कर्नाटक के हासन में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली कर कांग्रेस और जेडीएस पर यहां पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं, लेकिन सांप भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस और जेडीएस को अपना भाग्य नहीं सौंप सकता। जनता के हक के 1 रुपए में से 85 पैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है। कांग्रेस के स्वभाव में ही 85% कमीशन है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। कांग्रेस की बात करें तो मिशन कर्नाटक पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं। उन्होंने बेलगावी में रैली की और बीजेपी पर जमकर निशाना यहां पर उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि ये लूट की झूठ की सरकार है। बीजेपी ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ छीने हैं। चुनाव के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और विकास और 40% कमीशन है। पीएम मोदी और बीजेपी जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं। अब तो कर्नाटक की जनता भी कहती है आ रही है कांग्रेस। बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था।
मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में, 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे, आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। और अब थोड़ी राहत की खबर आपको बताते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। प्रति सिलेंडर 171.50 रुपए इसके दाम में कमी हुई है। और दिल्ली में अब देखिए तो 19 किलो का जो सिलेंडर है वो 1856.50 रुपए का हो गया है, और 19 किलो वाला सिलेंडर यहाँ पर सस्ता हुआ है। तो कमर्शियल गैस का जो सिलेंडर है वो सस्ता हुआ है, तो इससे थोड़ी राहत लोगों को होगी। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कीमतों में फ़र्क आपको पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कमर्शियल गैस का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा यहाँ पर उस पर राहत जो है मिलेगी। कमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमतों में यहाँ पर ये कमी जो है वो की गई है, दाम घटे हैं और प्रति सिलेंडर 171.50 रुपए कीमतें कम हुई हैं। और आज से जो नई कीमतें हैं वो लागू होंगी। कल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित जो है उनका हुआ, और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी भावुक भी हो गए और यहां पर उन्होंने अपनी बात भी रखी। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक मन की बात का 100वां एपिसोड सब जगह सुना गया। देश भर में बनाए गए 4,00,000 सेंटर्स में ये रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। मन की बात की यात्रा अपनी 100वीं मन की बात के बीच प्रधानमंत्री भावुक भी होते हैं। कहा कि मेरे लिए यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक पूजा भी है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। 3 अक्टूबर 2014 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का 52 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारण होता है। हर महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो और दूरदर्शन के साथ साथ कई प्राइवेट चैनलों पर प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अब तक 700 से अधिक लोगों और 300 से ज्यादा संगठनों की भूमिकाओं की सराहना कर चुके हैं। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत होना, यही अपने में अध्यात्म है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने ज्यादातर आम लोगों से जुड़े मुद्दों की ही चर्चा की है। कभी स्वच्छता मिशन की बात की तो कभी जनधन योजना की, कभी जल शक्ति अभियान की तो कभी योग की भूमिका की। एक आत्मनिर्भर भारत हमेशा प्रधानमंत्री के मन की बात के केंद्र में रहा है। उन्होंने इस खास कार्यक्रम को हमेशा गैर राजनीतिक रखा, आम लोगों और उनके संघर्षों की बात की। यही वजह है कि आम लोगों के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा। एक अनुमान के मुताबिक 23 करोड़ से ज्यादा लोग इसके नियमित श्रोता हैं। मन के बात डायरेक्टली भारत के जनता तक पहुंचता है, उनको उनके दिल को छूता है, उनके मन में और आंखों में जो खुशी दिखते हैं उनसे आप हम सब समझ पा रहे हैं कि मन की बात की ताकत क्या है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे दिल की बात करते हैं, वो भी उनकी ही आम भाषा में।
उसका असर भी होता है। उन्होंने कभी खादी की बात की तो खादी की बिक्री बढ़ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया तो वो एक जन आंदोलन बन गया, भावनाओं से भर गया। जेल के कैदियों से लेकर मुंबई के डब्बे वालों तक हर कोई मन की बात को गौर से सुनता रहा है। स्कूलों मदरसों से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक मन की बात का 100वां एपिसोड तो हर जगह सुना गया। बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा। जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है, और इतना अच्छा लगा सुन के, यू नो दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। इस 100वें एपिसोड की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब अकेले सुनते हैं तब तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन एक समूह के साथ जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि इसका इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का यह मासिक रेडियो कार्यक्रम आज देश के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री इसकी अहमियत जानते हैं और इसलिए ये कार्यक्रम देश और समाज में सकारात्मक बदलावों का एक माध्यम बन चुका है। मन की बात यानी जन जन की बात, आम जनता की मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी के इस रेडियो कार्यक्रम ने जिस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जागरूकता और बदलाव में आम भूमिका निभाई है वह अद्भुत है। दूर दराज से लेकर शहरी इलाकों तक में इस कार्यक्रम ने लोगों में जीने का नया हौसला दिया है, उन्हें नई राह दिखाई है। नई दिल्ली में कैमरामैन मुर्सलिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में नए सचिवालय का उद्घाटन किया और इससे पहले नई इमारत में पूजा अर्चना और यज्ञ भी किया गया। समारोह में सीएम केसीआर के अलावा सरकार के सभी मंत्री और तेलंगाना के आला अधिकारी मौजूद रहे। नए सचिवालय में आपको बताएं 635 कमरे हैं और 30 कॉन्फ्रेंस रूम यहां पर बनाए गए हैं। इसकी लागत 600 करोड़ रुपये आई है और इसे 2 साल 2 महीने में तैयार किया गया है। इस इमारत में सोलर पैनल लगाए गए हैं, इसमें मंदिर मस्जिद और चर्च भी बनाए गए हैं। और बात खेलों की करते हैं, यहां पर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग सात्विक ने इतिहास रच दिया है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है और मेंस डबल्स जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी यह रही है। तो बैडमिंटन से ये अच्छी खबर जो है आई है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब यहाँ पर चिराग सात्विक ने जीतकर इतिहास रच दिया है।